नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का स्वागत करता है। और हम बता देते हैं कि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूटीआई से बने हुए पैन कार्ड को आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। मान के चलिए आपके पास पैन कार्ड नंबर है, लेकिन आपको उस पैन कार्ड को डाउनलोड करना है, तो उस पैन कार्ड को आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे वो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए, जिससे जब भी कोई वीडियो बनाए तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हमको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करने के बाद हमको यहाँ पर लिखना है यूटीआई पैन कार्ड डाउनलोड। इसके बाद सबसे पहली लिंक आएगी, हमें इसी पर क्लिक करना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से आप यूटीआई से बने हुए पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यूटीआई से बने हुए पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास पैन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप पैन कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके पास पैन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है, तो ही आप यूटीआई से बने हुए पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। इसके बाद जो हमारा एमएम बाय मंथ और ईयर है हम वो डाल देते हैं। उसके बाद जीएसटी आई नंबर अगर आपके पास हो तो डालिए, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको रहने देते हैं। और इसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा कि पैन कार्ड बनवाते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया था या जो ईमेल आईडी दी थी वो भी चालू होना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों ही चालू है, तो हम इधर पे कैप्चा क्लिक करेंगे। कैप्चा पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी अगर अपने मोबाइल पे चाहिए तो मोबाइल पे क्लिक करिए, ईमेल पे चाहिए तो ईमेल पे क्लिक करिए, और बोथ पे चाहिए तो बोथ पे क्लिक करिए। तो चलिए हम बोथ पे करते हैं, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से ओटीपी नहीं आ पाती, इसलिए हम बोथ पे कर देते हैं जिस पे भी ओटीपी पहले आ जाए। और इसके बाद हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये हमारे मोबाइल और ईमेल दोनों में ओटीपी आएगी, तो चलिए हम इसको डालते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम ईमेल आईडी की ओटीपी डाले बिना इसको सबमिट करते हैं तो होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हमें ईमेल आईडी की ओटीपी भी डालना पड़ेगा। ये देख सकते हैं इसने हमको बाहर फेंक दिया है। या इसने हमको पोर्टल ने बाहर फेंक दिया, इसीलिए हमको दोनों ही ओटीपी डालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सिर्फ मोबाइल ओटीपी बस सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम सिर्फ ओटीपी अपने मोबाइल बस पे प्राप्त करना चाहेंगे, तो हम ओनली एसएमएस क्लिक करेंगे और आई हेयर वाई पे क्लिक करके गेट ओटीपी क्लिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा नंबर आपका चालू होना अनिवार्य है, तो ही आप पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ये हमारे मोबाइल में ओटीपी आ चुकी है, और इसके बाद हम इसको सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं इसके बाद हमसे एक ये पेमेंट मांगेगा ₹8 की, तो हम इस पेमेंट को कर देंगे। तो चलिए हम ये पेमेंट कर देते हैं, बहुत ही रीजनेबल पेमेंट इनके द्वारा ली जाती है। तो चलिए हम एक ये पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यूपीआई, क्यूआर, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी करना हो। तो चलिए हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो हम यूपीआई में क्लिक करके मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ये क्यूआर कोड है, तो चलिए हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो ये हमको फ्रंट पेज पे वापस ले आएगा। और आप मोबाइल में देख सकते हैं, मोबाइल में आपको एसएमएस के माध्यम से एक लिंक प्राप्त हो जाएगी।
आप देख सकते हैं जैसे ही आप फ्रंट पेज में आएंगे तो उसके बाद हमने दोबारा डाउनलोड करने की प्रोसेस की है, तो इसने हमको ये सामने इस पेज में ले आया। आपके मोबाइल में एक लिंक आ जाएगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद आप पैन कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप UTI से बने हुए पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप सभी को हम बता दें कि इसमें पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक आपके मोबाइल पे आती है, तो आपको मोबाइल से ही फिर पैन कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप UTI से बने हुए पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जल्द ही हम NSDL से बने हुए पैन कार्ड को डाउनलोड करने की भी प्रोसेस बताएँगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।